दोस्तों, सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से आपको निराशा मिल रही हो, आपको हर कार्य में असफलता मिल रही हो, आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं वहाँ आप सफल नहीं हो रहे, हमेशा आपको असफलता हाथ लग रही है। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक है, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण बिल्कुल ही टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया। आज एक बिलियनियर कंपनी के वो मालिक है। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक बिल्कुल निरक्षर थे, लोग उसको दिमागी रूप से बिल्कुल ही कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर आज वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट कहलाते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देते, और आइंस्टीन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मान के बैठ जाते तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने ये बात सही कही है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलक्की समझकर प्रयास करना छोड़ देते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप क्या करते हो? अगर किसी काम में असफल हो भी गए हो तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना, फिर कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है, इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए।